जैसे को तैसा। चंपू बंदो, अरे कुंभकर्ण की औलाद हो, उठो, तुम्हारे लिए तोहफा आया है, मामा ने भेजा है, देखो। पटाखे जंग घोड़े। बेवकूफ बच्चे। अरे भोंदू, मैं दिवाली तक नहीं रुक सकता, मुझे अभी पटाखे फोड़ने हैं। मुझे भी। चलो शुरू करते हैं। अरे भोंदू, पटाखों से और भी मस्ती कर सकते हैं। कैसे? चलो बताता हूँ। छोड़ूंगा नहीं तुमको। रुको, रुको। हरकत करके हंस रहे हो, शर्म करो बदतमीज बच्चों। चंपू भोंदू पटाखों से हम सबको बहुत तंग कर रहे हैं। चंपू भोंदू, ऐसी शरारत क्यों कर रहे थे हैं? भोला जी, हम शरारत नहीं कर रहे थे, मामा ने खूब सारे पटाखे भेजे, हम सिर्फ पटाखे फोड़ के खेल रहे थे। सच्ची बहुत भोले बन रहे हैं, झूठे कहीं के। धीरे बोलो टोटो, देखते हैं भोला जी क्या निर्णय लेते हैं। इनको सबक मिलना चाहिए ताकि ऐसी बदतमीजी कभी ना करें। भोला जी, आप इन्हें दंड दीजिए। दंड? अरे किस बात का दंड? भोला जी, बच्चे खेल रहे थे, उनकी क्या गलती थी बताइए। अब आप आनंद नगरी में बच्चों को खेलने के लिए भी दंड देंगे? वैसे पटाखा फोड़ना बड़ी गलती नहीं है,
पर पटाखों से दूसरों को असुविधा पहुंचाना सही नहीं, वो इनकी भूल थी, गलती नहीं। चंपू भोंदू, तुम अपने घर जाओ और फिर कभी लोगों को तंग मत करना, ठीक है? ठीक है भोला जी। इन दोनों को मैं सबक सिखाऊंगा। नहीं बल्लू भैया, आप भूल रहे हो व्यास जी क्या कहते हैं। किसी को दंड देने से पहले बातों से समझाओ, फिर उपहार देकर मनाओ, तब भी अगर नहीं मानते हैं तब उचित दंड दो। पहले समझाओ फिर उपहार भी दो, इन्हें कौन समझाएगा, कमकल कद्दू है दोनों। अब ये बड़े वाले पटाखे फोड़ते हैं। मत करो ना, लोगों को परेशानी होती है। हाँ समझ लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अच्छा जरूर टोटो जी, हमें और क्या करना होगा? सुनो चंपू भोंदू, हैं ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? ये क्या कर दिया? उन दोनों को दंड मिलना ही चाहिए। देखो कृष्णा देखो, कैसे मेरी पूंछ को जलाया। इस बार उनको मैं समझाऊंगा। नहीं बल्लू भैया, हमें और एक मौका देना चाहिए चंपू भोंदू को। इस बार उपहार देकर समझाएंगे, अगर उपहार से भी नहीं समझे फिर उन्हें मजा चखाएंगे। चंपू भोंदू ये लड्डू लो। राधिका और टोटो तुम्हें समझाने आए थे और तुम दोनों ने टोटो को परेशान किया, पर हम तुम्हें माफ करते हैं। ये लड्डू लो और आगे से लोगों को तंग करना बंद करो, समझे? हाँ हाँ दो दो। अब हम पटाखे भी फोड़ेंगे, क्या कर लोगे? ये कैसे हो सकता है? एक बार मेरे हाथ आ गए वो दोनों तो ऐसा दंड दूंगा। हाँ कृष्णा, अब उन्हें दंड मिलना ही चाहिए। वो देखो चलेगा कि लोगों को कितनी परेशानी हुई। अच्छा हुआ इनके साथ, चलो कृष्णा चलते हैं। हद से ज्यादा शरारत करेंगे तो दंड अपने आप मिल जाता है, लेकिन दंड उचित होना जरूरी है। दंड उनके लिए खतरा नहीं बनना चाहिए। तो क्या हम इनकी मदद करेंगे? हाँ शरारती हैं, पर हैं तो हमारे गुरुकुल के ही साथी, और अपने साथियों को कभी खतरे में नहीं छोड़ना चाहिए। अरे बच्चों को बचाओ, आग बुझाओ, अरे पानी डालो, मेरे बच्चों को बचाओ। अब इसे समझ में आ रही है हमारी परेशानी। ये सब बातें बाद में, चलो पहले सब लोग पानी लाओ जल्दी। Thank you.
पटाखे मजेदार हैं, लेकिन सावधानी से पटाखे फोड़ना जरूरी है ताकि खुद को और दूसरों को हानि ना पहुंचे। याद रखना बच्चों। Yeah!